व्हाट्सएप जरूरी है बट डाटा लीक नहीं होना चाहिए। जो प्राइवेट काम होते हैं जो भी होते हैं वो सबको पता चल जाएगा, फिर उससे फायदा क्या होगा। जिनका फोन है उनके पास व्हाट्सएप तो होना ही होना है, जो डेली जो अपना काम करते हैं उनके पास सबके व्हाट्सएप होना। जो गलत है उनको शेयर कराइए, जिसके आपको डाउट है उसको देखिए। देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे में अब उनके सामने एक समस्या आ सकती है। व्हाट्सएप ने चेतावनी दी है कि सरकार व्हाट्सएप की प्राइवेसी अपने हाथ में लेना चाहती है। ऐसे में व्हाट्सएप का कहना है कि अगर सरकार ने हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डाला तो हम व्हाट्सएप बंद करके इस देश को छोड़कर जा सकते हैं। व्हाट्सएप बंद होने से देश में कितने नुकसान होंगे, ऐसे में हमारे साथ तो तमाम युवा पीढ़ी है जो आजकल व्हाट्सएप का ज्यादा प्रयोग करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। अगर देश में व्हाट्सएप बंद होता है तो क्या हो, हमारी प्राइवेसी नहीं हो पाएगी। हम जो सरकार का कहना है कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज होते हैं वो सारे मैसेज हम देख सकें, तो क्या आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी सरकार के हाथ में जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं जाए। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप कितना जरूरी है? व्हाट्सएप जरूरी है बट डाटा लीक नहीं होना चाहिए। हमारा जो डाटा है, हमारा कुछ प्राइवेट डाटा होता है, हमारे अकाउंट से रिलेटेड होता है, ये डाटा है ना लीक नहीं होना चाहिए। बट व्हाट्सएप जरूरी है, व्हाट्सएप बंद होने से थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगी हमको, बहुत प्रॉब्लम। तो सरकार का ये कहना है कि जो डाटा है बच्चों का, जो मतलब युवा व्हाट्सएप यूज करते हैं, जो मैसेज है, ऐसा किया जाए कि वो सारे मैसेज हम पढ़ें। क्या लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। सरकार ने व्हाट्सएप बंद कर, व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी अपने हाथ में लेने को तर्क दिया है। सरकार का ये कहना है कि कई मैसेज ऐसे होते हैं जिनसे अफवाह फैलती है और देश में अशांति, कानून व्यवस्था फेल होती है। तो क्या लगता है सरकार का तर्क सही है? नहीं, ये सरकार का बिल्कुल गलत तर्क है। से मतलब छात्रों के लिए नुकसान भी हो सकता है, जैसे हम अपना काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करते हैं, अपने कुछ भी रिश्तेदार को कुछ बात करनी है मैसेज करते हैं, ये बंद हो जाएगा व्हाट्सएप हमारा, बहुत मतलब काम करने में दिक्कत आ गई। जी दिक्कत आ गई। क्या लगता है आपको, जो आपकी प्राइवेसी है व्हाट्सएप पे वो सरकार के हाथ में जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, इससे हमारे जो प्राइवेट काम होते हैं जो भी होते हैं वो सबको पता चल जाएगा, इससे फायदा क्या होगा? फायदा क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो व्हाट्सएप पे जो सुबह से शाम तक मैसेज होते हैं, तमाम बहुत सारे जरूरी काम होते हैं, अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है, व्हाट्सएप ने चेतावनी दी है कि सरकार अगर प्राइवेसी को लेकर हमारे ऊपर दबाव डालेगी तो हम उसे बंद कर, तो अगर बंद होता है तो कितना नुकसान तो काफी होगा। कोई आजकल जो भी तीसरा बंदा, दूसरा बंदा, जिनका फोन है उनके पास व्हाट्सएप तो होना ही होना है, जो डेली जो अपना काम करते हैं उनके पास सबके व्हाट्सएप होना। और वैसे जो बोल रहे हैं, जो सरकार बोल रही है कि प्राइवेसी के ऊपर, तो इसमें तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि जिसपे तुम्हें डाउट है उसको, उसकी तुम देखो ना, उसकी प्राइवेसी देखो। अब तुम्हारी किसी की पर्सनल लाइफ देख नहीं सकते, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो तुम वो देख नहीं सकते, वो गलत है। आप कहीं ना कहीं विरोध करते हैं कि सरकार जो प्राइवेसी हटाने की मांग कर रही है, वो ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत। आपका क्या कहना है कि आपके जो मैसेज आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने कलीग से बात करते हैं, क्या आपके मैसेज आप किसी दूसरे को बिना मर्जी के दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ये चीज गलत है। और जो सरकार ये बोल रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग को पता है कि प्राइवेसी हर किसी की होती है, कोई शेयर करना नहीं चाहता है। जो गलत है उनको शेयर कराइए, जिसके आपको डाउट है उसको देखिए। बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए व्हाट्सएप, अपने जो भी डेटा होता है वो हर किसी को हम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो दबाव बना रही है व्हाट्सएप पे, तो क्या वो सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। आपके जो मैसेज है, आपको पता होगा व्हाट्सएप पे इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं जो आप करने वाले और पहुंचने वाले के पास ही रहते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी को हटाना सरकार का एक गलत कदम मान रही है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि युवाओं का कहना है कि व्हाट्सएप आजकल हर व्यक्ति की जो है बहुत ज्यादा जरूरत बन गया है, और सरकार जो इसकी प्राइवेसी को खत्म करना चाह रही है वो बहुत गलत है। ऐसा करने से बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने पर्सनल मैसेज, पर्सनल बातें किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हमारी कुछ लोगों से बात हुई और कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या व्हाट्सएप बंद होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्योंकि व्हाट्सएप इम्पोर्टेंट है, हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी डेटा वगैरह शेयर ना हो और हम लोग की प्राइवेसी किसी को कोई और ना देखे। बस आपने देखा कि तमाम युवाओं का यही कहना है कि व्हाट्सएप बंद नहीं होना चाहिए, और सरकार जो ये फैसला ले रही है वो नहीं लेना चाहिए, व्हाट्सएप पर दबाव नहीं बनना चाहिए। आगरा से राघवेंद्र सिंह गहलोत की रिपोर्ट।